किसान बिल के विरोध में समाजवादी पार्टी सरकार पर हमलावर है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आगामी 25 सितंबर 2020 को समाजवादी पार्टी सभी जनपदों में शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए किसानों एवं श्रमिकों के हितों पर आघात पहुंचाने वाले कृषि एवं श्रम कानूनों के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन सौंपेगी। आपको बता दें कि सपा मुखिया का कहना है कि किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला जो कृषि विधेयक भारत सरकार लाई है उससे किसान अपनी जमीन का मालिक न रहकर मजदूर हो जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी की समाप्ति और विधेयक में न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना सुनिश्चित न होने से किसान अब औने पौने दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होगा। गेहूं धान की फसल को आवश्यक वस्तु अधिनियम से हटाए जाने से किसान को बड़े आढ़तियों और व्यापारिक घरानों की शर्तों पर अपनी फसल बेचना मजबूरी होगी। वहीं समाजवादी पार्टी किसानों का ऊपर आवाज़ दबने नहीं देगी। किसान बिल के विरोध में सपा का बयान, किसान अपने ज़मीन पर मालिक नहीं मजदूर बनकर रह जाएगा। नए कृषि विधेयक को लेकर विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बिल के विरोध में 25 सितंबर को सपा कार्यकर्ता सभी जिलों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगी। इस मामले में संसद से पारित श्रमिक कानून से श्रमिकों के हित में बुरी तरह प्रभावित होंगे। अभी तक 100 कर्मचारियों वाले उद्योगों को बिना सरकारी अनुमति छंटनी का अधिकार नहीं था। नया कानून 300 कर्मचारी वाले के उद्योगों को भी जब चाहे छंटनी करने का अधिकार दे रहा। इससे श्रमिकों में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और वे अपनी जायज मांग को भी नहीं उठा सकेंगे। उद्योगपतियों के वे बंधुआ मजदूर बनकर ही रह जाएंगे। भाजपा सरकार के प्रति इन जन विरोधियों को कानूनों को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त देखने को मिला। किसी जगह प्रदर्शन कर रहे हैं तो भाजपा सरकार श्रमिकों को रोजगार तो दे नहीं पा रही है, उल्टे उनकी पूंजी घराने की दया पर आश्रित बनाने की साजिश कर रही है। पार्टी समाजवादी पार्टी इन साजिशों का पुरजोर विरोध करेगी। महोदय को संबोधित करके आज ने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या है और क्या समाजवादी पार्टी का? देखिए, पूरे देश में किसान आंदोलित है और ये बीजेपी सरकार जो किसान विरोधी सरकार है, इसने 3 विधेयक ऐसे लाए हैं जो कि देश का किसान, जो इस देश की तरक्की की रीढ़ माना जाता है, कृषि प्रधान देश, उसी देश में किसानों को उन्हीं की जमीन में, उन्हीं की खेती में मजदूर बनाने की जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है कि आज वैसे ही हालात हो गए जैसे 1947 से पहले इस देश में थे। लोग अपनी भारत माता को आजादी दिलाने के लिए, अपनी मां को आजादी दिलाने के लिए, जन्मभूमि को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे ही आज किसान अपनी जो जमीन, किसान की मां कौन है, उनकी खेती ही है, अपनी खेती को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में समाजवादी पार्टी देश के किसानों के साथ खड़ी है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम सभी पार्टी के जिला के नेताओं ने मिलकर के डीएम के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन दिया है। जो ये काला कानून पास हुआ है विधान लोकसभा से और फिर राज्यसभा में, जब बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा था, आपने ध्वनिमती से पास करा लिया जबरन तानाशाही तरीके से, तो मोदी सरकार इन काले कानून पर एक बार पुनः विचार करे। अगर मोदी सरकार पुनः विचार नहीं करती है तो ये एक नई आजादी की लड़ाई होगी और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की भूमिका में होगी और किसान क्रांतिकारियों की भूमिका में होगा। किसानों के साथ समाजवादी पार्टी हर आंदोलन में, हर मुद्दे पर खड़ी, उसके साथ लड़ती नजर आएगी। यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज्ञापन देने का काम जिलाधिकारी महोदय को किया गया है। आज जिला और महानगर लखनऊ की पार्टी के लोगों के द्वारा आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के विरोध में बिल पास करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, यह सरकार बेरोजगार को रोजगार देने का काम नहीं कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। आज पूरे लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कोविड-19 के मरीजों को वहाँ दवा भी नहीं मिल पा रही है, खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तमाम कोविड से मौतें हो रही हैं। आज आप देख रहे हैं कि निरंतर 1,000 1,500 लोग डेली मौत के मुंह में जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पे आज जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का काम किया है
और राज्यपाल महोदया से हम लोग मांग करते हैं कि भ्रष्ट और जालिम सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए।